4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। आधुनिक विश्व में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। विश्व में इस बीमारी की चपेट में सबसे अधिक मरीज हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद कैंसर के मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाने का निर्णय लिया, ताकि लोगों को इस भयानक बीमारी कैंसर से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा सके। ऐसा माना जाता है 2030 तक कैंसर के मरीजों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक 2005 में 7.6 लाख लोग कैंसर से मौत के आगोश में समा गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने से और विश्व स्तर पर इस बीमारी के फैलने से सब चिंतित हैं। शुरुआत विश्व कैंसर दिवस के बारे में बात करें तो इसकी सही शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी और तब से यह दिन विश्व में कैंसर के प्रति निरंतर जागरूकता फैला रहा है। भारत उन देशों में से काफी आगे है जहां तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की वजह से कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है, पर इसे काबू करना और इससे बचना संभव है। वैसे कैंसर हो जाने पर इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। मरीज अगर इच्छा शक्ति से इस बीमारी का सामना करे और सही समय पर इलाज कराए तो इलाज संभव हो जाता है। कैंसर, कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, बातों को जानना जरूरी है। आइए जाने विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर के बारे में कुछ और बातें। कैंसर क्या होता है? शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियमित वृद्धि कैंसर है। जब यह कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती हैं तो कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यदि कैंसर सही समय पर पता ना लगाया जाए और उसका उपचार ना हो तो इससे मौत का जोखिम बढ़ जाता है। ये थी एसएन न्यूज़ की रिपोर्ट।